कनोला ऑयल अब भारत में भी आ गया है और थोड़ी देर में इसकी मांग तेजी से बढ़ गई है। भारतीय बाजार में कैनोला ऑयल की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारतीयों के स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता कहें या कैनोला ऑयल की विशेषता। ऑयल दो प्रकार के होते हैं, मुफा एंड पुफा, मोनोअनसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड। जो मोनोसैचुरेटेड है मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है और कैनोला ऑयल है। पॉलीअनसैचुरेटेड के अंदर में हमारा सैफ्लावर ऑयल वगैरह आ जाएंगे। तो हमेशा एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि मुफा बेटर है कि पुफा बेटर है। मेडिकली मुफा बेटर है क्योंकि आप इसको रीयूज कर सकते हो। पॉली अनसैचुरेटेड को रीयूज करोगे तो वो रहोगे सेहत को नुकसान करेगा। तो इसलिए मेडिकल रिकमेंडेशन है कि लेना है तो या तो मूंगफली का तेल लो, या कैनोला ऑयल लो, या ऑलिव ऑयल लो, या सरसों का तेल लो। सरसों के तेल के अंदर में यूरिक एसिड जो होता है वो ज्यादा होता है। सबसे कम यूरिक एसिड जो होता है वो 2% से कम होना चाहिए वो कैनोला के अंदर में। कैनोला की दूसरी चीज ये कि इसमें हाई विटामिन ई कंटेंट है और इसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो इनसे इसके एडवांटेजेस हैं। भारतीयों के रसोई घर में ये खाद्य तेल तेजी से अपनी जगह बना रहा है। इस तेल में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला ट्रांस फैट बहुत ही कम है और ओमेगा 3 की मात्रा भी प्रचुर है। हार्ट के लिए हमारे को हर चीज हार्ट से देखी जाती है, तो जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होंगे वो हार्ट के लिए अच्छा होगा। जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 रेशो बैलेंस्ड होगी वो हार्ट के लिए अच्छा होगा। तो कैनोला ऑयल के अंदर में क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, इसमें वही एडवांटेजेस हैं जो फिश खाने से, फ्लैक्स सीड खाने से, बादाम खाने से होते हैं, वही एडवांटेजेस इसके अंदर में मिलते हैं। कैनोला ठंडे पहाड़ी प्रदेशों में उपजता है और कनाडा में भारी मात्रा में इसकी खेती की जाती है। आज विश्व के कई देश ट्रांसफैट की अधिकता वाले खाद्य तेल पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। वहां कैनोला ऑयल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और अब इसकी लता भारत में भी बढ़ रही है और भारत कैनोला ऑयल कनाडा से आयात कर रहा है। आज के समय में हम 1,00,000 लीटर पर मंथ की सेल कर रहे हैं दिल्ली NCR एंड चंडीगढ़ ओनली इन दीज एरियाज। नेक्स्ट वीक वी आर लॉन्चिंग इन मुंबई, अगले हफ्ते मुंबई जा रहे हैं, पंजाब को लॉन्च कर रहे हैं मंथ एंड में और 4 सदर्न स्टेट्स कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में हम लॉन्च कर रहे हैं बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो पैन इंडिया हमारी उम्मीद है कि हम 2 साल में पैन इंडिया हो जाएंगे और तब हमारा टारगेट है कि लगभग हम 6 मिलियन लीटर, 60,00,000 लीटर एनुअली कर लिया करेंगे इसमें टर्नओवर, जो कि लगभग 100 करोड़ की टर्नओवर होती है। 5 वर्षीय जो हमारा टारगेट है वो लगभग 500 करोड़ का है। जिस तरह ये तेल भारतीय बाजार में लोकप्रिय हो रहा है, इसकी मार्केटिंग से जुड़े लोग कैनोला को भारत में ही उपजाने की सोच रहे हैं। देखना यह है कि कैनोला ऑयल भारतीय एग्रीकल्चरल सेक्टर के क्रॉपिंग पैटर्न और एडिबल ऑयल के बिजनेस में कितना परिवर्तन लाता है।